हिंदुस्तान जिसकी 1 अरब 300 करोड़ आबादी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नई YouTube वीडियो के साथ। गाइज, अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो की मेन भाग पर पहुंचे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे आने वाली वीडियोज़ की। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में अंतिम भाग। इस तरह से किसी मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ हो इंडिया में, या इस तरह से तोड़फोड़ मचाई गई हो, जो यहाँ पर मंदिर मंदिर तोड़े जाते हैं, गुरुद्वारे तोड़े जाते हैं, चर्चेस को आग लगा दी जाती है और कोई पूछने वाला नहीं है। बाकी ये लोग बार बार बात करते हैं कि जी मिस्टर जिना ने अपनी स्पीच में कहा था कि आप लोग फ्री हैं, कोई अपने मंदिर जाना चाहे, कोई अपने टेम्पल में जाना चाहे, कोई अपने जिसे कहते हैं कि चर्च में जो जाना चाहे वो जा सकते हैं। लेकिन और उन्होंने ये भी कहा था के आर्मी जो है उसका काम सिर्फ सरहद की हिफाजत करना है। लेकिन उसके बाद लोगों को ये भी मालूम होगा कि मिस्टर जिना की जो एम्बुलेंस थी उसका फ्यूल खत्म हो गया था, और इस तरह से कहा यही जाता है कि उनकी बात को आगे नहीं बढ़ाया गया और इस तरह से उनको भी अपनी शायद अपनी जान भी देनी पड़ी। लेकिन जो रूल्स रेगुलेशन वो चाहते थे पाकिस्तान में हो, जिस तरह का पाकिस्तान वो चाहते थे कि हो, वो बहरहाल ये नहीं है। हमारे लीडर्स आते हैं, सो कॉल्ड लीडर्स आते हैं और बात करते हैं, बड़े नारे लगाते हैं, लेकिन माइनॉरिटीज के लिए कोई काम नहीं होता। पाकिस्तान का जो फ्लैग है, हमेशा से यही बताया गया कि जो हरा रंग है वो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो वाइट हिस्सा है उसका, यानी जो वाइट पोर्शन है फ्लैग का, वो माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है। जबकि ऐसा मुझे लगता है अब नहीं है, क्योंकि अब पाकिस्तान के झंडे में जो सफेद रंग है वो कोकेन को रिप्रेजेंट करता है और हरा रंग शायद भंग को रिप्रेजेंट करता है। बाकी माइनॉरिटीज गए भाड़ में। माइनॉरिटीज को हम, पहली बात तो ये कि हम इंसान ही नहीं समझते। अगर हम उन्हें इंसान समझते तब हम उनके लिए कोई काम करते, तब हम उन्हें किसी मुश्किल से निकालते, तब हमें अफसोस होता, हमारा दिल दुखता कि किस तरह से उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, किस तरह से उनके गुरुद्वारे तोड़े जा रहे हैं, या चर्च या जो भी उनकी इबादत गाहें उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अगर हम उनको इंसान समझते तो शायद हमें अफसोस होता कि हम उनकी बच्चियों को इस तरह से, जो मियाँ मिट्ठू और दूसरे क्रिमिनल्स जिन्हें मैं कहती हूँ वो उठा के ले जाते हैं, उन क्रिमिनल्स के साथ हमारे लीडर्स की पिक्चर्स ना होती बल्कि उनको सजा दी गई होती। एक दो को मैंने पहले भी कहा था, जब तक आप सख्त सजाएं नहीं देंगे ये चीज रुकने में नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हमारे हीरोज जो हैं वो गलत हैं। अगर हम उस आदमी को अपना हीरो मानते हैं और बच्चों को जो है वो स्कूल में किताबों में यही पढ़ाते हैं कि जिसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था वो हमारा हीरो है, तो फिर हमें इस तरह की हरकतों पे, जो यहाँ पे मंदिर तोड़े जाते हैं, जो यहाँ पे माइनॉरिटीज को तंग किया जाता है, हिंदुओं की बच्चियों को उठा के ले जाया जाता है या क्रिश्चियंस की बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, उस पर हमें हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा कारनामा है और इसके ऊपर हम बहुत फख्र करते हैं और इस पे हमारा ख्याल है कि हमें पूरी दुनिया जो है बहुत इज्जत करेगी। FATF में तो हम शायद वैसे ही चले गए हैं, उसके लिए हमारे कोई ना गलत काम है, ना हमारी कोई फंडिंग है, ना हमारी कोई, जैसे कहना चाहिए, टेररिस्ट को हम ना सपोर्ट करते हैं और ना ही हम किसी किस्म के गलत कामों में है। FATF वालों ने ना जाने हमें क्यों FATF में रखा हुआ है, ग्रे लिस्ट में। लेकिन साथ ही साथ हम बड़े बड़े दावे करते हैं और काम हमारा कोई नजर नहीं आता कि हम कुछ ठीक करने जा रहे हो। तो इसी तरह से जब हम उस आदमी को अपना हीरो मानेंगे जिसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, तो फिर जाहिर है हमारे मुल्क में इस तरह के मंदिर टूटते ही रहेंगे और आगे भी इस तरह की न्यूज आती रहेंगी जिसके ऊपर कोई खास एक्शन नहीं होगा। हैरत की बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं और सब, ये सब लोग चुप हैं, ये कुछ बात नहीं करते और चुपचाप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एक वीडियो और देखते हैं और फिर बात करते हैं। अपनी मसीह बरादरी को खास तौर पे पैगाम देना चाहता हूँ कि आपको मैं ये टीवी पे ऐड देख रहा हूँ कि जनाब हम माइनॉरिटीज को टीवी पे ला के कह रहे हैं कि जी हम, हमारी बड़ी पीपल्स पार्टी मदद करती थी। मैं जरा कहता हूँ जाओ जाके सिंध में देखो, हिंदुओं का हाल देखो, उन बेचारों को जबरदस्ती शादियां करवाते हैं मुसलमान करने के लिए। हर किस्म का बेचारा कमजोर हिंदू उसी बिरादरी पे मुश्किलें आती हैं।
मैं आपको कहता हूं कि अपनी मुस्लिम बरादरी, अपनी हिंदू जो हमारे सिख हैं, सब आप बराबर के शहरी हैं, आप हमारे साथ मिलकर नया पाकिस्तान बनाएंगे, ये हमारी। नहीं जी, आपने सुन लिया इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, और बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हाँ, वो हमारे बराबर के जो है वो सिटीजन्स नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ये सब कुछ इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी तरह से जो है वोट लेने के लिए शायद बात कर रहे हैं कि नए पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं वो हमारे ही जैसे सिटीजन्स होंगे, जैसे बाकी के लोग होंगे या मुस्लिम्स होंगे। ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है कि शायद कुछ गलत समझ बैठे हैं खान साहब ने। शायद सभी को समझाए कि सभी जो है वो नशे में बैठे हैं और उनकी बातों का कोई मतलब किसी की समझ में आ रहा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह की बातें ना सिर्फ इमरान खान साहब, हमारी हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, या कोई भी पार्टी हो, वो इसी तरह की बातें करती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लोग ने बहुत शोज किए हैं इसके ऊपर, बेशुमार बार हमने जो है वो इस टॉपिक को जो है टच किया है, इसके ऊपर बात की है, माइनॉरिटीज के राइट्स के ऊपर, उनके ऊपर ये जुल्म ना हो उसके ऊपर। यहाँ तक हमारे पास बहुत से नॉन मुस्लिम गेस्ट भी आए, उन्होंने भी बात की, लेकिन अफसोस ये है कि कोई खास हमने इसके ऊपर काम होते हुए नहीं देखा, और हर थोड़े दिन के बाद हम यही देखते हैं कि फिर इसी तरह का कोई वाकया होता है, किसी मंदिर को तोड़ देते हैं, किसी चर्च को आग लगा देते हैं, या किसी माइनॉरिटी वाले पे, यानी कोई क्रिश्चियन, हिंदू, पारसी, कोई भी हो, उसके ऊपर ब्लास्फेमी लॉ का गलत इल्जाम लगाकर और उसको मार दिया जाता है, या उसको जेल करा देते हैं और इसी तरह की सजाएं देते हैं। बहुत केसेस हैं, क्रिश्चियन कपल था, उसको इन्होंने जो है वो मार डाला था यही कहकर के ब्लास्फेमी लॉ लगाकर और का इल्जाम लगाकर। अभी एक रिसेंटली एक क्रिश्चियन कपल को इन्होंने जेल से रिहा किया 7 साल के बाद, और मैंने आपको वो शो भी आपने हो सकता है देखा, उसमें मैंने आपको बताया था कि वो भी क्रिश्चियन कपल था और वो बेचारे जो हैं वो जेल की काल कोठरी में रहते रहते दोनों एक पैरालाइज हो गया और दूसरा जो है वो मेंटली बिल्कुल डिसेबल हो गया एक तरह से। तो इन्होंने कोई खास मसला नहीं है इनको इस चीज में, इनकी भला से कुछ भी होता रहे, माइनॉरिटीज हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती, हम दूसरे मजहब के लोगों की कोई इज्जत नहीं करते, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा ही रिलीजन है। और पाकिस्तान जो है उसके मेरे ख्याल है पूरे फ्लैग को इनको ग्रीन ही कर देना चाहिए, क्योंकि अव्वल तो कोई माइनॉरिटीज हमारे पास बची नहीं है, सब लोग भाग गए हैं या हमने उनको मार पीट के मुसलमान बना दिया, और अगर कोई बच गए हैं तो वो ज्यादा अरसे नहीं रहेंगे। हम इसी तरह से उनके मंदिर भी तोड़ेंगे, उनके गुरुद्वारे भी तोड़ेंगे, उनके चर्च भी तोड़ेंगे, उनकी बच्चियों को भी उठाया जाएगा, और मियां मिट्ठू जैसे लोग दन दनाते फिरते रहेंगे। या अकेला एक मियां मिट्ठू नहीं है, यहाँ पे लाखों की तादाद में मियां मिट्ठू मौजूद हैं जो इस तरह के काम करते हैं और आगे भी करते ही रहेंगे, इसलिए हमारे से कोई। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। इस वीडियो में आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा था, जो कुछ हुआ वहाँ पर आरजू काजमी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये होगा, यही है पाकिस्तान का इस्लाम, यहाँ के लोग यही चीज़ करेंगे और इससे आप दूर भाग ही नहीं सकते, ये लोग ये चीज़ सीख चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको एक वीडियो मैंने बहुत साल पहले अपलोड किया था और वो डिलीट भी कर दिया यूट्यूब की पॉलिसीज़ की वजह से, जिसमें पाकिस्तान की मीडिया में एक मतलब हैं बहुत अच्छे सोशल वर्कर है, वो एंकर थे, तो उनका वीडियो है, आप देख सकते हैं, आप सर्च करिए यूट्यूब पर पाकिस्तानी बुक्स अबाउट अ नॉन मुस्लिम, पाकिस्तानी स्कूल बुक्स अबाउट अ नॉन मुस्लिम, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। उस वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की बुक्स में लिखा है हिंदूज, क्रिश्चियन, ये सब मतलब हमारे दुश्मन हैं, इनसे कभी दोस्ती ना करें, इनकी इबादत गाहों के बारे में लिखा है, और ये चीज़ें। तो दोस्तों, अगर आप जाकिर नायक की कई क्लिप ऐसी पढ़ी हैं जिसमें साफ तौर पर वो बताता है कि जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है उनको हक है दूसरों की ये तोड़ने का, और ये आपको एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, पिछले जब से ये इस्लाम आया है तब से आप देख सकते हो अफगानिस्तान में क्या हुआ। अफगानिस्तान में जो बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा की, गौतम बुद्ध की जो सबसे बड़ी मूर्ति थी दुनिया की, उसको डिस्ट्रॉय किया गया,
हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि उसको हसन निसार जैसे हरामखोर लोग कहते हैं कि उसको औरंगजेब ने, गौरी ने डिस्ट्रॉय नहीं किया, क्योंकि उनकी औकात नहीं थी डिस्ट्रॉय करने की। वो ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर मार सकते थे या जो नॉर्मल तोप होती थी वो मार सकते थे, तो उससे स्क्रैचेस आती थी। वो इतनी, मतलब इतनी विशाल थी कि उसको बिना डायनामाइट के उसे उड़ाया ही नहीं जा सकता था। तो इन हरामखोर तालिबान वालों ने उड़ा दिया उसको डायनामाइट से। जो जो चीज़ डायनामाइट से टूटी थी तो उसे डायनामाइट से तोड़ा गया। और जो गौरी, गजनबी, बाबर, इनके हाथों में जो हथियार थे उनसे तोड़ा, तो आपको भी पता है, सब कुछ याद है। तो दोस्तों ये हजारों साल से इनके वही माइंडसेट है। इनको एक ऐसा, क्या बोलूँ, ऐसा माइंडसेट बन चुका है कि ये, और भारत में तो ज़्यादातर लोग कन्वर्टेड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको भी पता है कि यहाँ पर कितने सारे लोग कन्वर्टेड हैं। अगर ओवरऑल हिंदुस्तान की बात करूँ मैं, जो मतलब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो यहाँ पर आप आबादी का रेशो देख लीजिए, यहाँ पर आपको मिलेंगे लगभग लगभग 70 से 75 करोड़ मुस्लिम। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी, आधी आबादी यहीं पर रहती है। इतनी बड़ी आबादी कहीं से आ तो सकती नहीं है, ये यहीं के लोग हैं। और जब कन्वर्जन हो जाता है किसी व्यक्ति का, एक अगर हिंदू आज मुस्लिम या क्रिश्चियन बन रहा है, तो वो डेफिनेटली हिंदू धर्म का तो दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि जब उसके अंदर हेट डाला जाएगा उसके धर्म के प्रति, तब वो दूसरा धर्म छोड़ेगा और उस धर्म का तो वो दुश्मन बन जाएगा। ऐसा शायद कुछ कोट भी है स्वामी विवेकानंद का। तो दोस्तों अब ये चीज़, अब इन लोग ये जो मंदिर तोड़ रहे हैं, वो वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे, इस तरीके से मतलब इनके अंदर नफरत है। अगर मैं क्या बोलूं, ये अब किस बारे में क्या बोलूं, मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूं। मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे काफी, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा है कि ये कैसे लोग हैं। अब इससे होगा क्या, इससे ये मतलब एक्शन का रिएक्शन होगा, न्यूटन का तीसरा नियम लगेगा। ये चीजें हिंदू जो वीडियो देखेंगे, जो नॉर्मल है, जो मुस्लिम से प्यार करता है, मतलब मुस्लिम के लिए उसके प्रति अच्छे भाव है, तो उसके भाव चेंज होंगे। ठीक है, जो चीज़ मुस्लिम मुस्लिम मदरसे में सीख रहे हैं, वो इनके वीडियो हिंदू को सिखा देंगे, और हिंदू भी एग्रेसिव होगा, कट्टर होगा, ये चीज़ तो कट्टर बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर ये चीज़ें भारत में भी होंगी, क्यों नहीं होंगी, जब ये एक्शन का रिएक्शन तो होगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मतलब ये हिंदू धर्म के अंदर जो आई है, वो इन्हीं इन्हीं लोगों की वजह से आई। आपको भी पता है कि अगर हिंदू धर्म कट्टर होता तो, मतलब आपको भी पता है कि ऐसा तो था नहीं कि मुगल आए तो उनका हर जगह कब्जा था, उसके बाद क्या हुआ, मतलब हिस्ट्री अगर आप रियल हिस्ट्री पढ़ें, जो हिंदुस्तान की बुक्स वाली हिस्ट्री ना पढ़ें। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।